प्रतिमा मैम, अगले 5 मिनट में शो शुरू होने वाला है। सारे गेस्ट भी आ चुके हैं लेकिन युवराज सर अभी तक नहीं आए। बात हुई है मेरी उससे, उसने कहा है कि वो टाइम पे। लो, आ गया वो। कहाँ रह गया था बेटा, तूने तो मेरी जान ही निकाल दी थी, इतना इंतजार करवाया। हेलो सर। हाय, इज एवरीथिंग रेडी? यस सर। सो अगले 5 मिनट में मिस इलाहाबाद कॉन्टेस्ट शुरू होने वाला है। सुहानी सर, 5 मिनट बचे हैं, जल्दी चला। हम चला तो रहे हैं सौम्या, उन दोनों गवारों ने अगर टाइम ना वेस्ट करवाया होता ना तो हम कब के पहुँच जाते चिच्ची। चलो देर आए दुरुस्त आए, इतनी पुरानी कहावत। मिनका प्लीज कुछ तो अपडेट करो अपने आप को। मैं तो एकदम अप टू डेट हूँ जिंची, पर देखना है कि आज के कंटेस्टेंट्स है या नहीं, वरना युवराज तो चांद को भी रिजेक्ट कर दे क्योंकि उसमें भी दाग है। उसकी तो ना हर चीज अलग होनी चाहिए, जैसे उसकी विंटेज कार। कभी कभी तो लगता है कि अगर मैं, मतलब आप अगर इतनी सुंदर ना होती ना तो युवराज हमें बिल्कुल भी इज्जत नहीं देता। एनीवेज चले। मेनका कहाँ रह गए थे तुम लोग, कब से इंतजार कर रही हूँ। और ये रागिनी बहू कहाँ रह गई? वो मुझे यहाँ बुलाकर इग्नोर ही करना था तो मैं चली जाऊँ यहाँ से। आवाज तो बिल्कुल रागिनी बहू जैसी, और तेवर भी उसी के जैसे। जैक्स बहू, तुम्हारे बालों को क्या हुआ बेटा? मॉम प्लीज, मेरा मूड ऑलरेडी खराब है, प्लीज कुछ मत पूछो। वो एक लड़की ने ना जैक्स जी के बाल ही कुतर दिए। मतलब कितनी दुख की बात है ना। हेलो जेट जी, क्या बात है, आज तो कुछ ज्यादा ही अच्छे लग रहे हो आप। अच्छा दिखना हमारे खानदान का रिवाज है। So now everything is set. और कॉन्टेस्ट शुरू होने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा अपने चीफ गेस्ट और जज मिस्टर युवराज बिरला से कि वो स्टेज पर आकर दो शब्द बोले। जाओ बेटा। मैम शो स्टार्ट करें। वो जो दो लड़कियां आने वाली थी वो आ गई। सौम्या यार, हम बहुत लेट हो गए। तू टेंशन मत ले, पहले अंदर तो चल। चले चल। ये लो, आ गई हमारी गंगा गोमती एक्सप्रेस, पूरे 1 घंटा लेट। सॉरी आंटी, सॉरी सॉरी सॉरी। चलिए अब हम प्रोग्राम शुरू करते हैं। वो शर्मा अंकल आंटी को क्या हुआ? छोड़ो ना लता जी, अब बच्चे काम में भूल गए होंगे फोन करना। ऐसे कैसे भूल गए होंगे, आज हमारी शादी की सालगिरह तो उन्हें विश करना चाहिए था। हैप्पी एनिवर्सरी आंटी। आंटी आंटी, आप ही तो कहती है ना कि अतुल भैया और भाभी के पास बिल्कुल टाइम नहीं रहता, वो बहुत बिजी रहते हैं। आप देखिएगा शाम तक एक बड़ा सा बुके और एक बड़ा सा केक आएगा, वो भी एगलेस। सुहानी बिटिया, थैंक यू सो मच, तुम्हारी ये जो प्यारी प्यारी बातें हैं ना, ये तो किसी के भी चेहरे पे मुस्कान ला सकती है। खूबसूरती खूबसूरत लगेगा ये जहाँ, बातों में हो खूबसूरती खूबसूरत लगेगा ये जहाँ, आँखों में हो रंग गए तेरे रंगी तुझे दिखेगा ये जहाँ, खूबसूरत वही मीठी सी हो जिसकी जुबान मोल, मन का चेहरे से क्यों तोले मन है अनमोल। हाँ प्यारी
एंड जेंटलमैन, प्लीज वेलकम मिस्टर युवराज बिरला। और हम सब जानना चाहेंगे कि इनके लिए खूबसूरती क्या है। दियों सी चमक हो जिसमें, सुरों सी खनक हो जिसमें, वो सोए तो सांझ ढलने लगे, जगे तो सुबह निकलने लगे। नैनों में जिसके मन बहता चला जाए, जिसके रंग रूप के आगे सब फीका नजर आए। ये रंग जी बेरंग भी कल परसों हो जाए, पर मन की सुंदरता ना कभी खो पाए। रहेगी ये जब तलक है हमारी जिंदगी, रहेगी लेडीज एंड जेंटलमैन, अब आप सबके सामने आ रही हैं मिस इलाहाबाद कॉन्टेस्ट की टॉप 5 फाइनलिस्ट। चीफ गेस्ट एंड जज मिस्टर युवराज बिरला कि वो यहां पर आकर विनर का नाम अनाउंस करें। आई एम श्योर डिसीजन बहुत ही मुश्किल रहा होगा। Well, मैं चाहता हूं कि अनाउंसमेंट से पहले इन सभी कंटेस्टेंट्स को एक गिफ्ट दूं। गिफ्ट प्लीज। एक्सक्यूज मी, क्या आप ये गिफ्ट खोल सकती हैं प्लीज? आपको क्या लगता है कि आप इस कॉन्टेस्ट की विनर हो सकती हैं? Why not? कॉन्फिडेंस हाँ। रिजल्ट्स की अनाउंसमेंट से पहले मैं चाहता हूं कि एक बार आप फिर गौर से अपने चेहरे की तरफ देखें और फिर सोचें क्या वाकई में इस कॉन्टेस्ट को जीतने के लायक हैं या नहीं। ये सिर्फ इन्हीं के लिए नहीं है, ये आईना आप सबके लिए है।
अलाहाबाद ब्यूटी कॉन्टेस्ट का मकसद मेरे लिए कोई चीप पब्लिसिटी पाने का जरिया नहीं था, एक सुंदर चेहरे की तलाश थी। अफसोस वो चेहरा मुझे नहीं मिला। ये आईना मैं आज यहाँ पर इसलिए लेके आया हूँ ताकि आप सब लोग गौर से एक बार फिर अपना चेहरा देख सकें। अफसोस कि ये मेकअप और स्टाइलिंग भी आपके चेहरे को खूबसूरत नहीं बना सका। इसीलिए मैंने डिसाइड किया है कि आज इनमें से कोई विनर अनाउंस नहीं की जाएगी, क्योंकि इनमें से कोई भी विनर बनने के लायक ही नहीं। एक्सक्यूज मी मिस्टर युवराज, बहुत घमंड है ना आपको अपनी किस्मत और अपनी सूरत पर। जस्ट वेट एंड वॉच। जिस तरह से आज आपने हमारी फीलिंग्स का मजाक बनाया ना, एक दिन किस्मत भी आपका ऐसे ही मजाक बनाएगी। We will see. युवराज ने ये बिल्कुल ठीक नहीं किया। ऐसे ही किसी को कुछ भी कह देना। Come on, mom. ऐसी शक्लों को देखकर कोई और करेगा भी क्या? And I'm sure, युवराज की चॉइस इन चेहरों से कहीं ज्यादा बेटर होगी। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।